नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कृषि जिन्सों की उपज, आयात और निर्यात की स्थिति के बारे में। साथ ही जानेंगे केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की जा रही इन कृषि जिन्सों की खरीद के बारे में। आज हम खास तौर से बात करेंगे दलहन, तिलहन, धान और सब्जियों की, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दलहन की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान, अरहर और चने की सरकारी खरीद जारी। खाद्य तेल में देश हो रहा है आत्मनिर्भर, सभी तिलहनी फसलों में सोयाबीन की उपज सबसे आगे। और घरेलू स्तर पर धान की उपज में जोरदार बढ़त संभव, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रमुख राज्यों में खरीद जारी। और बुलेटिन के पहले इसे हम जानेंगे दलहन का हाल, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं धान से। इस साल धान की पैदावार में बढ़त संभव है। धान की उपज बीते 5 वर्ष की औसत उपज से 96,70,000 टन अधिक रह सकती है। वह इस साल देश में बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। बता दें कि इन दिनों भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश के अलग अलग राज्यों में धान की खरीद की जा रही है। धान के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में एक ओर जहां धान की उपज में बढ़ोतरी संभव है, तो वहीं सरकार की ओर से बढ़ रहे समर्थन मूल्य पर धान के किसानों से लगातार खरीद की जा रही है, जिसका लाभ देश भर के किसानों को मिल रहा है। इस साल देश में धान की उपज 1,174,70,000 टन अनुमानित है। धान की उपज का ये आंकड़ा बीते 5 वर्ष की औसत उपज से 96,70,000 टन अधिक है। हालांकि इस वर्ष देश से होने वाले चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। देश से इस साल बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 28,35,952 टन का रहा था, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान बासमती चावल का निर्यात 28,61,260 टन का रहा था। इसी तरह देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में भी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 35,62,323 टन का रहा, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में गैर बासमती चावल का निर्यात 57,39,811 टन का रहा था। भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश के अलग अलग राज्यों से 1,815 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामान्य धान की खरीद की जा रही है, जबकि ए ग्रेड धान को 1,835 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 2 मार्च तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 380,91,000 टन धान की खरीद हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक 108,76 टन धान की खरीद इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य पंजाब से हुई है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। और अब बात करते हैं दलहन की। इस साल घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर दलहनी फसलों की खरीद भी की जा रही है। फिलहाल केंद्रीय एजेंसी नेफेड द्वारा चने और अरहर की खरीद जारी है। देश में इस साल घरेलू स्तर पर दलहन की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक दलहन की कुल उपज 230,20,000 टन अनुमानित है, जो कि पिछले 5 वर्ष के औसत 202,60,000 टन से 27,60,000 टन अधिक है। किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार की ओर से दलहनी फसलों की खरीद की जा रही है। नेफेड की ओर से इन दिनों चने और अरहर की खरीद चल रही है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 4 मार्च तक आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से 23,000 टन से अधिक चना खरीद चुकी है। नेफेड द्वारा की गई खरीद से लगभग 13,836 किसानों को इसका लाभ हुआ है। वहीं अरहर की खरीद की बात की जाए तो नेफेड की ओर से 4 मार्च तक 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर अरहर की सरकारी खरीद 2,64,000 टन के पार पहुंच गई है।
अरहर की खरीद कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य से की जा रही है, जिसमें सबसे आगे कर्नाटक राज्य है। यहां अरहर की खरीद 1,73,000 टन से अधिक की हुई है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी इसकी खरीद की गई है। सरकारी एजेंसी द्वारा की जा रही अरहर की खरीद से लगभग 2,82,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है। जहां एक ओर घरेलू स्तर पर दलहन की उपज में बढ़त संभव है, तो दूसरी ओर इस साल देश से दालों के निर्यात में कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपीडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों का कुल निर्यात 1,63,511 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में दालों का निर्यात 2,36,016 टन का रहा था। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिलहन और सब्जियों की। आप बने रहें मंडी खबर के साथ। हमारे पिताजी और शहर की मुखिया भी, इनके घर में शौचालय है, फिर भी ये शौच जाने का बाहर मजा लेते हैं। ये है नेताजी के करीबी कन्हैया कुंवर। इनके जो बेटा बहू है ना, वो चाहते हैं कि इनके घर में शौचालय बने, मगर ये है कि मानते नहीं। तीन शादियां ही हैं और तीनों बीवी इनको छोड़ के भागी। आखिरी बीवी इस कारण भागी, घर में शौच नहीं था, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। नई फसलें, नई तकनीक, एक्सपर्ट्स की राय, सफल किसान, आधुनिक खेती, बागवानी, पशुपालन और विज्ञान, किसान की हर समस्या का निदान। जय किसान, जय विज्ञान। शुक्रवार सुबह 9:30 पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी सब्जियों की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा तिलहन का बाजार। विदेशों से होने वाले खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने न सिर्फ इस साल तिलहनी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, बल्कि बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर किसानों से तिलहन की खरीद भी कर रही है, जिसके चलते इस साल देश में तिलहन की उपज में जोरदार बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस साल देश में तिलहन की उपज में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे देश अब वनस्पति तेल की उपज में आत्मनिर्भर बनता नजर आ रहा है। घरेलू स्तर पर तिलहन की उपज में बढ़ोतरी से विदेशों से होने वाले तेल के आयात में भी कमी आएगी, साथ ही किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस साल देश में तिलहन की उपज में 26,00,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 341,88,000 टन तिलहन पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल उपज का ये आंकड़ा 315,22,000 टन रहा था। वर्ष 2019-20 में तिलहन की अनुमानित उपज बीते 5 वर्ष की औसत उपज से 45,40,000 टन अधिक है। इस साल तिलहनी फसलों की अनुमानित उपज में सबसे अधिक पैदावार सोयाबीन की है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर सरसों और मूंगफली है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल तिलहनी फसलों में सोयाबीन की उपज 136,28,000 टन होने का अनुमान है, वहीं सरसों की पैदावार 91,13,000 टन रह सकती है, जबकि मूंगफली के साल की पैदावार 82,44,000 टन अनुमानित है। तो इसके अलावा इसमें 20,43,000 टन अरंडी बीज, 6,64,000 टन तिल और 4,96,000 टन अन्य तिलहनी फसलें शामिल है। गौरतलब है कि तिलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हुए सरकार ने इस साल इनके समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है, जिस वजह से इस वर्ष तिलहन की उपज बढ़ने का अनुमान है। और बात करते हैं सब्जियों की। इस साल देश में सब्जियों की उपज में मिला जुला रुख रह सकता है। जहां कुछ सब्जियों की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, तो वहीं कुछ सब्जियों की पैदावार में गिरावट भी संभव है। सब्जियों के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस साल सब्जियों की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा साल 2018-19 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कुल पैदावार
1,48,09,000 टन बढ़कर 18,58,83,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में कुल उपज 18,43,94,000 टन रही थी। कुछ मुख्य सब्जियों की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल जहां आलू, प्याज और लहसुन की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी ओर टमाटर की उपज बीते साल से पीछे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार आलू की उपज बढ़ने की बात कही गई है। आलू की उपज में लगभग 17,17,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,30,27,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5,13,10,000 टन की हुई थी। प्याज की पैदावार भी इस साल अच्छी हो सकती है। इसकी पैदावार वर्ष 2018-19 में 2,23,000 टन बढ़ सकती है। मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार फसल सीजन 2018-19 में प्याज की पैदावार 2,34,85,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,32,62,000 टन की पैदावार हुई थी। दूसरी ओर लहसुन की उपज भी इस साल आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में लहसुन की उपज 2,83,06,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 1,22,05,000 टन अधिक है, जबकि टमाटर की पैदावार अन्य सब्जियों के मुकाबले पीछे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार इस साल टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में टमाटर की कुल पैदावार 1,93,97,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 1,97,59,000 टन रहा था। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से सब्जियों का निर्यात घटा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 15,83,887 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 24,33,617 टन का ही रहा था। और फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, आगे आपको बताएंगे निवाई मंडी का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम मंडी खबर में बात करेंगे निवाई मंडी की। निवाई मंडी सरसों के कारोबार का एक बड़ा ब्रांड बन गई है। निवाई मंडी के तेल कारोबार का एक मजबूत अड्डा बन जाने के पीछे बड़ी वजह यही है कि यहां खेती के आधुनिक तरीके इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। कंपनियों के आधुनिक गोदाम बनाए गए हैं और बैंक भी इस आधार पर आसानी से तेल कारोबारियों को कर्ज दे रहे हैं। किसानों को भी अपनी सरसों का नकद भुगतान मिल रहा है। निवाई से महज 125 किलोमीटर दूर मौजूद कोटा की गिनती राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियों में होती है। कोटा मंडी में कारोबार का भरोसा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ गुजरात तक के किसान अपना माल ले आते हैं। लेकिन कोटा मंडी के बेहद नजदीक के दिवली बूंदी के सरसों किसानों की मंजिल कोटा के बदले निवाई मंडी ही होती है। इसके अलावा लालसोट, सवाई माधोपुर और टोंक के किसान भी अपना माल लेकर सीधे निवाई ही चले आते हैं।
और इसकी सबसे बड़ी वजह है निवाई में किसानों को होने वाला नकद भुगतान। हमारे क्या है कि शुरू से मंडी में जो काम करते आए अब तक तो किसानों का पेमेंट है, कैश पेमेंट होता है सबका। और आज करीबन 30 साल हो गए, 30 साल से यहाँ मंडी में माल आने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पेमेंट बकाया नहीं, चाहे 50,000 बोरी आ जाए ना तो पेमेंट लेके जाता है। जब जेब में नकदी तुरंत आ रही हो तो भला कोई क्यों कोटा मंडी जाएगा, जहाँ किसान को उपज की कीमत मिलने में करीब हफ्ते भर का समय तो लग ही जाता है। जबकि निवाई मंडी में सरसों किसानों की उपज की कीमत तय हुई और कारोबारी 2 घंटे में नकद भुगतान कर देता है। यह किसान के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है, क्योंकि इससे न केवल उसकी परेशानी कम हो जाती है बल्कि उसका खर्च भी बचता है। मंडी में माल लेके आते हैं तो हमारा कैश पेमेंट हो जाता है और हम घर पे टाइम से लौट जाते हैं। वैसे तो निवाई में नकद भुगतान की परंपरा वर्षों से है, लेकिन करीब 3 साल पहले तक किसानों के लिए बोली में बेहतर भाव हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। अगर किसान की उपज अच्छी हो जाए और वो ज्यादा माल लेकर मंडी आ जाए तो उसे अच्छा भाव नहीं मिल पाता था। उसकी वजह थी कारोबारियों के हाथ में सौदा करने की ताकत। सारा माल खरीदने की शर्त पर व्यापारी एक तरफा मोल भाव कर लेता था और किसान को कम भाव पर सरसों बेचने को मजबूर कर देता था। अब अगर मिलों की क्षमता पूरी हो गई हो तो भी कारोबारी आसानी से उसे खरीद कर NCDEX पर डिलीवरी लगा देते हैं। इसके कारण किसान इस बारे में निश्चिंत हो चुका है कि चाहे वो कितना भी माल लेकर आए उसे एक जैसा ही भाव मिलेगा। आधुनिक तरीके से ऑनलाइन खरीद बिक्री से कारोबारियों के लिए भुगतान का जोखिम भी लगभग खत्म हो गया है। कारोबारी बताते हैं कि किसान जब अपना माल लेकर यहाँ बेचने आता है तो वो साथ में अगली फसल के आधार पर कर्ज भी मांगता है। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कोई भी कमीशन एजेंट 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं देता। ऐसे में व्यापारियों द्वारा किसान से खरीदी जाने वाली मात्रा खुद ब खुद सीमित हो जाती है, लेकिन एक्सचेंज पर डिलीवरी देने की सुविधा मिल जाने के कारण व्यापारी आराम से किसान की फसल खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा डूबने वाला नहीं। अपना ऑनलाइन जो व्यापार हुआ उससे हम कृषक लोगों को इतनी सुविधा है, जैसे अपना कैश डिस्काउंट है, लार्ज स्केल पे हम अपना उधारी है, हम बाहर माल देके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं हम ऑनलाइन व्यापार पे। हमारे पर्सनल व्यापार पे कहीं भी हमारे को पेमेंट का धोखा लगता है, इस ऑनलाइन के व्यापार से हमें 1 लाख से लेकर 100 करोड़ तक का व्यापार भी करें तो हमें कोई हिचक और कोई धोखा नहीं लगता, इसलिए हमें ऑनलाइन व्यापार बहुत अच्छा लगता है। और निवाई ऑनलाइन व्यापार का एनसी जो भी डिपो खुला उससे हमारी मंडी का विकास भी काफ़ी हुआ। जो 10,000 बोरी की आवक होती थी वो कम से कम हमारे 50,000 बोरी की आवक एक सीजन में डेली की डेली हो जाती है। कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों की बहुलता वाले इस शहर में अगर कारोबारी का कारोबार 4 गुना तक बढ़ा है और हजारों नए नौकरीशुदा लोगों की आमद हुई है तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था की सबसे मूलभूत जरूरत बैंकिंग का भी यहां जबरदस्त विकास हुआ है। इस विकास की सबसे शानदार तस्वीर कमोडिटी प्लेज फाइनेंसिंग यानी फसल को गिरवी रखकर कर्ज देने के बैंकों के कारोबार में आई भारी तेजी से नजर आ जाती है। बैंकिंग फाइनेंस का सर हुआ था 2006, 21 मार्च 2006 को हुआ था, 4 करोड़ का फंडिंग हुआ था उसमें। उसके बाद में धीरे धीरे 2010 के अंदर 25 करोड़ तक पहुंच गया। फिर ऐसे ही चलते चलते वो व्यापारियों ने आगे बढ़ाते हुए 2016 तक आज 175 करोड़ का बिजनेस हो गया सर। हालांकि इस बढ़ते प्लेजिंग कारोबार की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि किसान की इसमें ज्यादा भागीदारी है ही नहीं, या यूं कहें कि लगभग कोई भागीदारी नहीं है। इससे ऑफ सीजन में होने वाली ऊंची कीमतों का फायदा उपज पैदा करने वाले किसानों को न मिलकर हमेशा की तरह आर्थिक तौर पर मजबूत और स्टॉक कर रखने में सक्षम कारोबारियों को ही मिलता है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।
नमस्कार।